हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेन्स वर्ल्ड। सो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक और अच्छा पेन। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो गाइस, आज मेरे पास है एक काफ़ी अफोर्डेबल पेन्स जो आपको मार्केट में सिर्फ 7 रुपीज़ पर पेन में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, इनका नाम है सुप्रा हाई फाइव। मैंने एक बार पहले भी सुप्रा का पेन रिव्यू किया था चैनल पे, आप जाके तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और बाकी ये सुप्रा का हाई फाइव है। तो देखते हैं ये कैसा पेन होने वाला है। ये 7 रुपीज़ ईच पेन है, 7 7 रुपीज़ के दोनों पेन है। तो आपको मैं एक बार इसकी बॉडी का ओवरव्यू दे देता हूँ। आप देख सकते हैं ये है, इस पर कुछ डूडल्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो। ये काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, फंकी सा पेन है। ये देखिए, ये प्लास्टिक से, पूरे प्लास्टिक से बना है। और गाइस, ये काफ़ी लाइट वेट है। मैं आपको इसका वेट लेके बता देता हूँ अभी। गाइस चलिए, मैं आपको इसका वेट लेके भी बता देता हूँ। गाइज सिर्फ 6 ग्राम्स, मतलब आपको फील भी नहीं होने वाला है ये हाथ में, इतना बढ़िया पेन है ये। काफ़ी लाइट वेट है और आप देख सकते हैं सिर्फ 6 ग्राम्स है। इसमें रिफिल भी डली है तो भी ये काफ़ी लाइट वेट बन जाता है। और सबसे बड़ी बात गाइज, ये वो बहुत अफोर्डेबल पेन है, आप इसको आराम से ख़रीद सकते हैं। गाइज तो मैं आपको इसको बिना कैप का एक बार ओवरव्यू देता हूँ। इसकी नेब ऐसी है गाइज, ये इसकी ग्रिप है यहाँ पे, और ये इसकी ग्रिप के एंड को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे ये इन्हें एक सर्कल सा बनाया है। वैसे तो गाइज ये जो उठा हुआ एरिया होता है ये कैप के लिए होता है, जिससे कैप में आके यहाँ पे ऐसे लॉक हो जाए। तो चलिए गाइज, यहाँ कहीं पे इसकी ग्रिप है और मेरे को नहीं लगता गाइज ये हाथ से स्लिप हो रहा है मेरे। बाकी हम एक बार इसका राइटिंग सैंपल लेके देखते हैं, फिर देखते हैं ये कैसा है। चलिए गाइज, तो इसका एक राइटिंग सैंपल ले लेते हैं फटाफट। गाइस चल तो अच्छा रहा है, हम इससे और भी कुछ लिख के देखते हैं। गाइस पेन तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है मैं कहूँ, और अगर मेरी माने तो ये पेन काफ़ी बढ़िया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं या स्कूल में है जो भी है, और आपको लंबे लेक्चर्स के लिए काफ़ी लॉन्ग राइटिंग सेशंस रहते हैं आपके, तो ये पेन आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस बन सकता है, क्योंकि ये जो पेन है ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और गाइस ये पेन काफ़ी स्मूथ है, लाइट वेट है, और सबसे बड़ी बात इसकी इंक बिल्कुल भी रफ़ फील नहीं हुई मेरे को लिखने के टाइम पे। इसमें कहीं मेरे को ऐसा नहीं लगा कहीं एक्स्ट्रा इंक निकल रही है, एकदम यूनिफॉर्म इंक निकली है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म हुई है इंक, और आपको दिख रहा है देखिए यूनिफॉर्म थी इंक, जैसे नहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम वैसा नहीं हुआ इसके साथ। और ये आप काफ़ी अलग अलग कलर्स में मिल सकते हैं, जैसे ये एक ब्लू भी है मेरे पास, और इसमें पिंक भी आता है, ग्रीन भी आता है, तो आपको ये काफ़ी कलर्स में भी अवेलेबल है। तो अगर मेरी माने तो ये काफ़ी अफोर्डेबल पेन है, और अगर आपको चाहिए कि आपके पेन काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और आपको एक अफोर्डेबल पेन चाहिए जिससे आप एक रेगुलर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट ढूंढ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है सुप्रा हाई फाइव। गाइस ये काफ़ी अच्छा पेन था, मैं इसको 10 out of 7 रेटिंग आराम से दे सकता हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय।